फ्रांस में पहुंचे हुए जिनपिंग ने टेबल पर बैठते ही एक ऐसा झूठ कह दिया जिस झूठ को पकड़ लिया गया है फ्रांस में। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस ने तो पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो फ्रांस की यात्रा है शी जिनपिंग की, इस यात्रा पर दुनिया भर की नजरें हैं कि ये आखिरकार क्या करते हैं वहां पहुंचकर। और आपको बता दें फ्रांस की इस बार की यात्रा नॉर्मल नहीं दिख रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो तेवर दिख रहे हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति के, वो तेवर एकदम से अलग दिख रहे हैं। पहली बात है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि शी जिनपिंग और पुतिन यानी कि रूस एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। दूसरी बात ये बहुत अच्छे से वो जानते हैं कि इस वक्त राजनीतिक माहौल थोड़ा अलग सा है और अमेरिका एक तरफ एक क्वाड बनाकर घेरने की कोशिश कर रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स ने भी यहाँ पर इस चीज को छापा है जिसमें दिख रहा है कि इन्होंने मनीला को वार्निंग दी है यानी कि फिलीपींस को वार्निंग दी है कि देखो भाई तुम दूसरा यूक्रेन मत बन जाना। फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका चार देश एक साथ आए हुए हैं जिसको लेकर इन्हें पहले से भी चेताया जा रहा है। तो एक तरफ यहाँ पर माहौल बना हुआ है खुद यूक्रेन का और दूसरी तरफ यहाँ पर जब ये बैठे तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने दो बात कही और इन्होंने कहा कि मेरे तरफ से दो बातें हैं। पहली बात कि हम यूक्रेन पर बात करना चाहते हैं आपसे और दूसरी बात हम आपसे करना चाहते हैं व्यापार के ऊपर। इन दोनों सब्जेक्ट में आपका क्या आंसर है? आपको बता दें यहाँ पर शी जिनपिंग ने एक आर्टिकल पहले ही दे दिया था ली फिगारो में, अपना साइन किया हुआ आर्टिकल इन्होंने दिया था और इन्होंने 10 पॉइंट बता दिए थे। पहला पॉइंट इन्होंने कहा था कि देखिए फ्रांस और चाइना दोनों ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त रहे हैं, दोनों ही देशों में फिलोसफर्स हुए हैं, राइटर हुए हैं, आर्टिस्ट हुए हैं और इन्होंने मानवता के लिए काम किया है। दूसरा इन्होंने कहा कि इतिहास हमारा सबसे अच्छा शिक्षक है और यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि हमने इतिहास में बहुत सारे रिस्क हैंडल किए हैं, एक बार फिर से वैसा ही माहौल हो रहा है। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं दोनों देश यहाँ पर डिप्लोमेटिक टाई को बढ़ाएं और हमारे जो पुराने अचीवमेंट रहे हैं उन चीजों को हम आगे बढ़ाएं, नए वीजा चाइना फ्रांस रिलेशंस को दें। वहीं इन्होंने चौथा पॉइंट बहुत ही खास कहा है, 75 साल का हार्ड वर्क है हमारा और तुम्हारे रिश्ते का और जिसकी वजह से चाइना यहाँ सेकेंड लार्जेस्ट दुनिया का अर्थव्यवस्था बन पाया है। इन्होंने कहा कि चाइना दुनिया में ग्लोबल पावर बनकर ही रहेगा और ग्रोथ कर दिखाएगा और ये सभी देशों के साथ है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि हम जो है हमारे साथ एक चीज है कि हमने कभी भी किसी भी देश के साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है। चाइना एक फेथफुल प्रैक्टिस करता है 5 प्रिंसिपल का जिसके सिद्धांत के आधार पर हम शांति से रह सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। 70 साल से हम शांति से हैं और नए चाइना ने न तो किसी को प्रभोग किया है किसी युद्ध के लिए और न ही किसी का एक इंच जमीन भी लिया है। ये तो एकदम से सफेद सफेद झूठ बोलते हुए निकल रहे हैं शी जिनपिंग। ये तो देखकर लगता है, वैसे चाइना के मैप को देखेंगे तो कहा जाता है कि कुछ हिस्सा इनका तुर्कमेनिस्तान का है, कुछ हिस्सा किसी और का है, कुछ हिस्सा तिब्बत का है। ओरिजिनल चाइना की बात करेंगे तो ओरिजिनल चाइना बहुत छोटा सा है, पर इन्होंने एकदम खुल्लम खुल्ला झूठ बोल दिया कि हमने किसी की एक इंच जमीन भी नहीं दबाई है। इसके बाद इन्होंने कहा कि हमने प्रपोज किया है कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव चलाना चाहिए, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव चलाना चाहिए, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव चलाना चाहिए। उसके बाद ये यूक्रेन के पॉइंट पर आते हैं और ये कहते हैं कि चाइना इस बात को समझता है कि यूक्रेन क्राइसिस जो है ये यूरोपीय पीपुल के लिए थोड़ा मुश्किलों भरा है, लेकिन चाइना तो इसका हिस्सा है नहीं। चाइना ने यूक्रेन क्राइसिस न तो शुरू किया है, न ही चाइना इसका पार्टी है और न ही इसका भागीदार बनना चाहता है। यहाँ पर इन्होंने एकदम से साफ कर दिया है यूक्रेन के मुद्दे को भी लेकर। उसके बाद बात रही फलस्तीन इसराइल को लेकर, तो इन्होंने नवा पॉइंट लिखा है कि फलस्तीन एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने
बनेगा तभी इसका सॉल्यूशन होगा। और लास्ट इन्होंने कहा है कि हम इतिहास के एक दूसरे पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं, चलिए हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाकर दुनिया के बेनिफिट के लिए हम काम करते हैं। ये पूरा व्याख्या जिनपिंग के द्वारा दे दिया गया है। मतलब जिनपिंग ने अपने तरफ से साफ कर दिया है कि हम यहाँ पर तुमसे सिर्फ बात करने आए हैं व्यापार की और किसी और चीज की बात करने नहीं आए हैं। खैर, अब ये मुलाकात आगे व्यापारिक लेवल पर कितना बढ़ता है ये तो मैक्रोन और जिनपिंग के बीच क्या समझौता होता है उस पर निर्भर करेगा। पर फिलहाल के लिए ये चौंकाने वाले तथ्य नहीं थे क्योंकि ये पता ही था यूक्रेन मुद्दे पर बीच में आएगा ही नहीं चाइना। हालांकि ये आरोप चाइना के ऊपर लगते हैं कि रूस को इन्होंने मदद करी है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारा कुछ सीन चल रहा है वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत के बीच अब लगभग सब कुछ तय हो गया है। भारत ने पिछले 2 साल में रूस से बड़े पैमाने पर रियायती दाम पर कच्चे तेल की खरीद की थी। इस खरीद का पैसा आज भी भारत में ही मौजूद है। इसका मतलब ये है कि भारत ने रियायती कच्चे तेल आयात के बदले में जो पैसा रूस को दिया वो आज भी इसी देश में मौजूद है। जी हाँ, हाल ही में खुलासा हुआ है कि रूस ने भारतीय बैंकों में जमा हुए अरबों रुपए को भारतीय शेयरों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश कर दिया है। इससे भारत का पैसा भारत में ही मौजूद है और रूस को भी कोई परेशानी नहीं है। इससे भारत और रूस के बीच हथियारों की खरीद को लेकर पैदा हुए पेमेंट की समस्या भी सुलझ गई है। दरअसल पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस के हजारों वित्तीय संस्थानों को वैश्विक भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से बाहर कर दिया। इससे रूस पर विदेशी मुद्रा भुगतान में काफी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पर अब जाकर ये देखने को मिल रहा है कि रूस ने स्टॉक, सरकारी प्रोजेक्ट, बुनियादी ढांचा, इन सारे जगहों पर ज्यादातर पैसों को इस्तेमाल कर लिया है। अब उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लोगों ने कहा कि दोनों पक्ष अभी अपना अधिकांश व्यापार राष्ट्रीय मुद्राओं में कर रहे हैं और कुछ संयुक्त अरब अमीरात के दिहरम में भी किया जा रहा है। भारत रूस में पेमेंट विवाद खत्म हो गया है और उम्मीद किया जा रहा है कि 2S-400 समय पर यहाँ पहुँच जाएगा। कहा जाता है कि फरवरी में अमेरिकी राजकोष विभाग ने रूस की सरकारी स्वामित्व वाली शिपिंग कंपनियों पर लगा दिया है कुछ बैन, जिसकी वजह से थोड़ी समस्या हुई है। पर यहाँ पर दोनों देशों के बीच कमोबेश होते हुए व्यापार सही सही ही चल रहा है। भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक रहा है और ये आखिरकार भारत सहित दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे सही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।